नमस्ते, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी सुरक्षित होंगे। एक शाम बापू और लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम, जिन्होंने हमें आज़ादी दी, देश को आगे बढ़ाया, उन दोनों की जयंती पर याद करते हुए एक पोस्टर बनाता हूँ, वन टेक अनकट ट्यूटोरियल वीडियो। तो यहाँ पर मेरा फोटोशॉप ओपन है, एक नया कैनवस क्रिएट करता हूँ कमांड एंड मैक पर। अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप कंट्रोल एंड उसके लिए शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। 1920 पिक्सल्स बाय 1080 पिक्सल, 300 रेजोल्यूशन, RGB कलर, क्रिएट, परफेक्ट। मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। सबसे पहले हिंदी में लिखा, एक शाम बापू और शास्त्री के नाम, इनकी जयंती पर इन्हें कोटि कोटि प्रणाम। अब यहाँ पर एक शाम बापू और शास्त्री के नाम का इसका मतलब ये नहीं है मैं यहाँ पे कोई म्यूज़िक इवेंट या कुछ करने वाला हूँ ऐसा, बस शाम हो रही है, मैंने इनके लिए एक पोस्टर बनाने के लिए सोचा। तो मेरे साइड से ये एक छोटा सा ट्रिब्यूट है बापू और शास्त्री जी को याद करते हुए। मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज करूँगा, कीबोर्ड इंग्लिश, बोल्ड, परफेक्ट। अब बापू और शास्त्री जी के लिए मुझे कुछ सिंबॉलिक चीज़ें बनानी पड़ेगी। यहाँ पे बापू के लिए चश्मा बनाता हूँ, फिल वाइट एंड दो लेयर्स में यहाँ पे रखूँगा बेसिकली, वो मैं बताऊँगा क्यों, क्योंकि पैक वाले लेयर को मुझे ट्रांसपेरेंट रखना है जहाँ पे ग्लास को फिल करूँगा। अभी के लिए बैकग्राउंड कलर मैंने डार्क लिया जिससे मुझे समझ आ पाए। और सेम इसकी मैं कॉपी लूँगा, इसका स्ट्रोक मैं ब्लैक कलर करने वाला हूँ, 10 पिक्सल्स, कलर ब्लैक, और थोड़ा सा मुझे थिक करना पड़ेगा इसको वापस से, मे बी 15 पिक्सल्स, परफेक्ट, फिल नन। अब यहाँ पे मेरे पास दो एलिप्स हैं, पहले वाले एलिप्स में मेरा सिर्फ वाइट कलर के का फिल है, दूसरे वाले में मेरा सिर्फ फ्रेम है, आउटर फ्रेम। इनर वाले जो मेरा ग्लास का एरिया है उसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, एंड ये ब्लैक कलर का नहीं है, परफेक्ट। ये बन गया बापू का चश्मा। मैं बड़ा ही बेसिक बनाऊंगा, यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लेता हूँ मैं, शॉर्टकट इसका यू है, मैंने मेन्यू से सिलेक्ट करके इसको लिया है। इसका फिल कलर ब्लैक, स्ट्रोक नन। परफेक्ट। अब मैं इसको इसकी जो फिलिंग वाली लेयर है जो मेरा ग्लासेस हैं उसकी ओपेसिटी में कम कर लूँगा, मे बी 20%, दोनों के 20% कर दिए मैंने। 20% करने के लिए उस लेयर को सिलेक्ट करके मैंने 2 प्रेस किया, 2 मीन्स 20, 3 मीन्स 30, 4 मीन्स 40, या फिर आप यहाँ से भी इसकी ओपेसिटी को एडजस्ट कर सकते हो, परफेक्ट। इन सारी लेयर्स को मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इसको मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, देन कमेंड टी या फिर कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म के लिए। मुझे थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दिखाना है इसको, पर्सपेक्टिव, और यहाँ से मैं ऐसे करूँगा, परफेक्ट, बट अरे थोड़ा सा इसको और भी एडजस्ट करना है, ओके। अब मैं चश्मे की जो साइड वाली डंडी होती है
वो क्रिएट करूंगा, मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, मैं डंडी कहता हूँ। इसको क्रिएट करने के लिए मैं पेन टूल लूंगा, पी, इसका शॉर्टकट की है, या फिर आप यहां से भी ले सकते हो। मैंने यहां पर एक पाथ क्रिएट किया, ये शेप मेरी एक पाथ क्रिएट हो गया। देन मैं इसको कुछ ब्लैक फिल करूंगा यहां पर, कलर ओवरले, चाहिए स्ट्रोक, चाहिए स्ट्रोक ब्लैक कलर, सेम 15 पिक्सल्स। अब मैंने 15 पिक्सल्स चश्मे के फ्रेम का रखा था क्योंकि वो सिंगल साइड स्ट्रोक था मेरा। यहाँ पे मैं 8 पिक्सल्स रहता हूँ तो वो 16 पिक्सल्स के इक्वल होता है क्योंकि मेरी लाइन के दोनों साइड स्ट्रोक आता है यहाँ पे, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे 8 पिक्सल्स रखूँगा और कलर ओवरले भी ब्लैक, क्योंकि जो वो चश्मे की डंडी है अंदर से वाइट दिखती थी, मुझे ठीक लग रहा। थोड़ा सा रफ बना है पर कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। टी से ट्रांसफॉर्म किया मैंने इसको, इसकी पोजिशनिंग एडजस्ट करूंगा मैं थोड़ी सी, नॉर्मली एरो की से आप इसको मूव कर सकते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, कमांड जे से इसकी एक न्यू कॉपी, कमांड टी। मैं जहां जहां पे भी कमांड बोलता हूं विंडोज यूजर वहां पे उसको कंट्रोल कंसीडर कर सकते हैं। इसको पीछे की तरफ और इस वाली लेयर को मैं सबसे नीचे करूंगा, छोटी लग रही है डंडी, थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। ओप्स, रफली ठीक है, मोटा मोटा है सर, इसको फाइन शेप नहीं देनी, और ठीक है। सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन के लिए, चश्मा इज फॉर बाबू, परफेक्ट। अब मैं बैकग्राउंड को वापस से वाइट कर सकता हूँ। वाइट करने के लिए बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड लेयर वाइट है, तो कमांड डिलीट, विंडोज यूजर इसको कंट्रोल बैकस्पेस कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे शेप को एडजस्ट किया, मुझे ग्लास की जो ओपेसिटी है वो और भी कम करनी पड़ेगी क्योंकि ये डंडी जो चश्मे की है ये पूरी दिखाई दे रही है इधर। इसके लिए मैं वापस से इधर आया, मैंने सिलेक्ट किया, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में मैंने कन्वर्ट किया था, इसको डबल क्लिक किया तो एक न्यू विंडो में ओपन होगा। देन जो भी मेरे एलिप्स थे जिसमें फिल था वाइट कलर का, इसकी ओपेसिटी को मैं इंक्रीज करूँगा, मे बी 70%, और दूसरे वाले भी 70%। मैं वापस से देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है अब ठीक लग रहा है मुझे, क्लोज। अब मैं शास्त्री जी के लिए, शास्त्री जी की जो आइडेंटिटी थी वो एक टोपी लगाते थे, तो एक टोपी क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। टोपी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कुछ पेन टूल लेता हूँ पहले, और कुछ भी रफ सा क्रिएट करता हूँ पहले। ज़ूम किया, कुछ
एक टोपी की शेप देने की कोशिश करता हूँ मैं। ना, गलत हो गई शेप थोड़ी सी, इसको मैं फिर से एडजस्ट करता हूँ। थोड़ी सी राउंडनेस, मुझे तो ये ठीक लग रही है शेप। मैं शेप को भी आउटलाइन कलर दे लेता हूँ। ब्लेंडिंग ऑप्शन, स्ट्रोक और ग्रे स्टोन रखूंगा मैं, डार्क ग्रे। इस कलर कोड को कॉपी कर लूंगा क्योंकि मुझे फिल कलर भी सेम चाहिए, अदरवाइज वो ये बीच की लाइन खराब दिखाई देगी। कलर ओवरले पे भी मैं सेम कलर को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, शेप टू इज फॉर टोपी। ओप्स, चश्मे को मैं ग्रुप कर देता हूँ, कमांड जी फॉर ग्रुप। ध्यान दीजिए सिंबल, इसको मैं ग्रुप को नेम दे दिया मैंने, सेलेक्ट ग्रुप। अब इस टोपी पे थोड़ा सा कुछ इफेक्ट होना चाहिए, ग्रेस इफेक्ट में भी। तो मैंने यहाँ पे एक न्यू लेयर ली, शिफ्ट कमांड एन, विंडोज यूजर शिफ्ट कंट्रोल एन, ब्रश लिया थोड़ा सा लाइट ग्रे, तो मैं कुछ पेंट करूँगा। जो आउटर एरियाज हैं उसको मैं इरेज करूँगा। इरेज करने के कई तरीके होते हैं, आप मास्क कर सकते हो, मैं यहाँ पर नॉर्मल इरेज यूज़ कर रहा हूँ। ओपेसिटी 100% इरेज की, जब तक मैं इसको कंप्लीट करता हूँ आपसे कुछ बातें हो जाए। पिछले वीडियो में मैंने बोला था, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, उस वीडियो में मैंने बोला था जिन लोगों को जॉब की प्रॉब्लम थी या कुछ थी, जॉब कैसे ढूँढें, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। उसमें कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स बताऊँगा, आप अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से बिल्ड करें जिससे आपको जॉब ढूँढने में आसानी हो। उम्मीद करता हूँ कि वो ट्यूटोरियल आपके लिए अच्छा रहेगा। या फिर मैं ब्लैक नया लेयर लेने के बाद वाइट फिल करता हूँ, इसकी ओपेसिटी 20% नहीं है, खराब लग रहा है। मेरा ग्रेडियंट ग्रे वाले को मैं कम कर दिया मैंने, इतना ठीक है। ये एक सिंबॉलिक इमेज है, चश्मा गांधी जी के लिए, टोपी शास्त्री जी के लिए। कुछ शेडोज यहाँ पे क्रिएट करता हूँ डिटेलिंग। पहले इसको ग्रुप कर लेता हूँ, शास्त्री जी सिंबल, इसको भी मैं इसके अंदर पुश करता हूँ। परफेक्ट, फाइन। कुछ डिटेलिंग क्रिएट करता हूँ, पहले यहाँ पे शेडोज चश्मे के नीचे, इसके लिए एक न्यू लेयर लेता हूँ। ब्रश, नॉर्मल सिंपल ब्रश, ब्लैक कलर, कुछ भी
मैंने यहाँ पे एक डॉट बनाया, इसके बाद कमांड टी, इसके शेप एडजस्ट करूँगा। फिर से कमांड टी शेप एडजस्ट करने के लिए शेडोज 20-30% में भी। एक और इधर कॉपी की मैंने थोड़ी सी पर्सपेक्टिव शेप में, साइज को थोड़ा छोटा किया, परफेक्ट। नॉर्मल इरेजर नहीं, थोड़ा सा फेदर वाला इरेज टूल चाहिए मुझे। इधर ओपेसिटी कम, परफेक्ट। इसकी एक और कॉपी की मैंने और इधर लगाया थोड़ी सी डिटेलिंग। उसके बाद टोपी के शेडो के लिए भी मैंने यहाँ पे कॉपी ली और नीचे, क्योंकि इतनी बड़ी टोपी है इसकी भी तो शेडो आएगी ना इधर। यहाँ पे आई नो ये गलत है पर ठीक है, मुझे दोनों चीजों की शेड दिखानी है यहाँ पे तो ओके फाइन। यहाँ पे पूरे नाम लिखता हूँ महात्मा हिंदी में, हिंदी कीबोर्ड महात्मा गांधी और लिख लेता हूँ उप्स और एवं हमने एवं ई वी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी को इनकी जयंती पर कोटि कोटि प्रणाम। वाह, छह हिंदी सीख ली मैंने। जो एक शाम बापू और शास्त्री के नाम है इसको मैं एक सर्कल में लिखूंगा, एक शाम बापू और शास्त्री आई थिंक एक लाइन में लिखता हूं मैं, परफेक्ट। थोड़ा सा बड़ा करता हूं मैं बापू और शास्त्री के नाम को। थोड़ा सा ये बापू और शास्त्री जी के सिंबल को मैं राइट में शिफ्ट कर लेता हूँ। इधर एक सर्कल ड्रॉ करूँगा मैं, सर्कल येलो, फिल कलर येलो, आउटलाइन नन। शाम बापू और शास्त्री के नाम, यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा सिंबल यार, इसको सेंटर में रखता हूँ। इसको मैं और छोटा ना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ चिड़िया बना देता हूँ, शाम जाते हुए कुछ चिड़िया, इसके लिए पेन टूल लिया और चिड़िया जब दूर जा रही होती है सन के पास से दिखाई देती है, फिर आ रही होती है शाम के टाइम पे, तो
अब कुछ बुद्धिजीवी ये बोलेंगे जब शाम हो रही है तो येलो कलर का सूरज क्यों बनाया तुमने, येलो सर्कल क्यों बनाया, सनसेट वाला टाइम होना चाहिए। ठीक है सनसेट वाला कर देता हूँ। न्यू डेयर फिल ब्लैक, अच्छा लग रहा है यार। इंग्लिश कीबोर्ड कीबोर्ड सॉरी बर्ड वन स्मार्ट ऑब्जेक्ट को ऑरेंज करता हूँ फिर थोड़ा सा सनसेट येलो 30%। ओके नो, खराब लग रहा है, मैं तो येलो ही रखूँगा, किसी को सनसेट से प्रॉब्लम है तो अपना खुद का बना लो। परफेक्ट, अब यहाँ पे थोड़ी सी डिटेलिंग में और ऐड करने वाला हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम है थोड़ा सा बड़ा, बैकग्राउंड मुझे बड़ा प्लेन लग रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड करूँगा मैं। इसके लिए बैकग्राउंड लेयर के बाद एक मैं न्यू लेयर लूँगा, न्यू लेयर लेने के लिए शिफ्ट कंट्रोल एन या फिर मैक पे शिफ्ट कमांड एन कमांड ए, पूरे को सिलेक्ट किया मैंने। इसके बाद एक स्ट्रोक डालूँगा मैं, इनसाइड स्ट्रोक ब्लैक मे बी 10 pixels, साइड्स में चारों साइड पे एक स्ट्रोक आ चुका है। मैं इसको एक ब्लर इफेक्ट में कन्वर्ट करूँगा इस स्ट्रोक को। इसके लिए फिल्टर ब्लर गॉजन ब्लर, नाइस मुझे चलेगा। अभी ख़राब लग रहा है मुझे पता है, बट अभी अच्छा भी लगेगा। इसके बाद फिल्टर गैलरी स्केच ग्राफिक पेन, ये मुझे ये स्ट्रोक्स चाहिए थे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे लाइट डार्क बैलेंस को एडजस्ट करूँगा, स्ट्रोक लेंथ को एडजस्ट करूँगा, यहाँ पे चलेगा मुझे लंबे। डायरेक्शन स्केल राइट डायगोनल इज ओके ओके परफेक्ट। इसकी एक और कॉपी लूँगा, कॉपी लेने के लिए कमांड जे कमांड टी ट्रांसफॉर्म, इसको मैं हॉरिजॉन्टल फ्लिप करूँगा। अब मेरे पास एक लेयर में इस तरीके से डायगोनल ग्राफिक पेन स्ट्रोक्स हैं और एक में लेफ्ट डायगोनल है, एक में राइट डायगोनल है, राइट। तो मैं इसकी दोनों की ओपेसिटी कम करूँगा जिससे कि एक बड़ा ही नाइस इफेक्ट आ पाए। 30% दोनों की 30% कूल। अब आप देखो यहाँ पे एक बड़ा ही नाइस सा टेक्स्चर दिख रहा है और मुझे सेंटर में अभी भी डिस्टर्ब कर रहे हैं दोनों, तो इसके ऊपर एक और न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ। ब्रश बी से ब्रश टूल मैंने लिया शॉर्टकट, इसके साइज को इंक्रीज किया, फोरग्राउंड कलर वाइट, यहाँ पे मैंने फिल किया कुछ, इसका साइज को एडजस्ट किया, इसकी ओपेसिटी कुछ मैंने 50% रखी। परफेक्ट, मुझे अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा ये ट्यूटोरियल, इससे ज़्यादा लंबा नहीं करता। ओप्स, बहुत बड़ी मिस्टेक, सॉरी गांधी जी के नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, इसको मैं ठीक करता हूँ। परफेक्ट, आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, अपना जो भी फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में डालें, अच्छा या बुरा जैसा भी लगा। और मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल मैं ट्यूसडे को लेके आऊँगा आपके लिए, और ये बीच में गांधी जयंती थी और शास्त्री जी की जयंती थी तो मैंने ये बनाया, मुझे पसंद है ऐसी चीज़ें बनाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, राम राम, बाय बाय।